हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जॉब सपोर्ट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड या फिर पैन कार्ड पे चेंज या करेक्शन के लिए ऑफलाइन जो फॉर्म भरा जाता है वो ऑफलाइन फॉर्म की पीडीएफ फाइल हम लोग ऑनलाइन माध्यम से कैसे डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल में टाइप करेंगे पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म और ये फर्स्ट लिंक जो है इसे आप ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पीडीएफ फाइल आ जाएगी। ये फर्स्ट पेज है जो आपकी करेक्शन की फॉर्म पेज है। सेकंड पेज से आपकी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। इस फॉर्म के जितने भी बॉक्स हैं इसमें आपको कैपिटल लेटर में बॉक्स को फिल करना है और ब्लैक पेन से फिल करना है, मीन्स ब्लैक पेन को यूज करना है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर वही बताया गया है। अब आप यहाँ पर डाउनलोड की बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और आप अपने लोकेशन को सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे। यहाँ पे अपर एरो की पे क्लिक करके सोन इन फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेंगे और ये जो फर्स्ट पेज है इसे आप प्रिंट आउट करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और यहाँ पे पेज नंबर 1 डाल के ओके कर देंगे। आपकी ये फर्स्ट पेज प्रिंट हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से आप अपना पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके पैन कार्ड करेक्शन का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म भरना नहीं आता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कि पैन कार्ड की करेक्शन की फॉर्म कैसे भरा जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।